दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक बार फिर से लाव लक्सर के साथ पहुंची एमसीडी की टीम। एमसीडी की टीम के साथ पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहे। मंगोलपुरी के विभिन्न पार्कों में अवैध कब्जे के खिलाफ एमसीडी ने अभियान चलाया और स्वच्छता अभियान ये चलाया जाए, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से पूरे लाव लश्करे के साथ मंगलवार को एमसीडी की टीम मंगोलपुरी पहुंची। यहां पर एमसीडी की टीम ने पार्किंग में अवैध रूप से कब्जा खाली कराने को काम किया गया और इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रही। इस दौरान मंगोलपुरी के वार्ड 46 के अंतर्गत आने वाले कई पार्कों का एमसीडी की टीम के द्वारा दौरा किया गया, जहां पर भी पार्कों में अवैध कब्जा था उस पर एमसीडी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते मंगोलपुरी के अलग अलग पार्कों में ये बड़ी कार्रवाई करी गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगह पर जो है कई गाड़ियां खड़ी थी, उनको भी वहां से एमसीडी के द्वारा उठाया गया। वहीं एमसीडी के जो अधिकारी हैं दीपक कुमार, उनके द्वारा क्या कहा गया वो भी सुनवाते हैं। लेकिन किस तरीके से जो कई गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी थी, उनको भी यहाँ से हटाया गया और लगातार ये जो अभियान है वो इसी तरीके से चलाया जाएगा। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। सर, आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, क्या है, किस तरीके से आज की कार्रवाई? आज वाई ब्लॉक वार्ड नंबर 46 के अंतर्गत जितने भी पार्किंग के अंदर अवैध कब्जा कर रखा था उनको क्लियर कराया गया है, इनक्रोचमेंट फ्री कराया गया है। जी हाँ, किस तरह से देखा जा रहा है कि पार्क में अवैध कब्जा कर रखा था, वो क्या कहेंगे? हर बार ऐसा होता है कि सफाई होती लेकिन बाद में फिर हो जाता, तो इस बार आपकी तरफ से क्या कड़ी कार्रवाई की जा रही है? नहीं, हमने पूरा मुक्त करा के हम SHO साहब को लेटर लिखेंगे ताकि यहाँ पे दोबारा जो है अतिक्रमण ना होने पाए। हम यहाँ पर एक मेन गेट की व्यवस्था करेंगे ताकि आम पब्लिक पार्क के लिए आए, ना कि गाड़ी पार्किंग के लिए आए।